हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया ब्लॉग 333 में। तो यहाँ पे हम सुबह का टाइम हो रहा है और हम नहा वहा के भी रेडी हो गए हैं और मेरा सब काम हो गया है आज। अभी हम है किचन में, अभी बना रहे हैं हम खाना। तो चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे खाना में दाल बना दिए हैं। ये थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था ना, इसीलिए फेंक दिया। और यहाँ पे बना रहे अपने लिए चाय थोड़ा सा, क्योंकि हम सुबह से चाय नहीं पिए हैं। और ये रहा मेरा थोड़ा सा सामान जो कि हस्बैंड मार्केट गए थे अभी, तो जस्ट लेकर आए हैं। थोड़ा खत्म हो गया था यूज वाला सामान, वो लेकर आए हैं। और ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, देखिए लिपस्टिक लगा के रेडी है। तो सबसे पहले हम चाय छान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम चाय भी छान ली, मेरा चाय हो गया। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कप है पर चाय इतना नहीं है, चाय पर थोड़ा सा ही है। और ये देखिए मेरा पूरा घर क्लीन है, पूरा झाड़ू पोछा सब किए हैं। और ये देखिए उतना सारा कपड़ा था, हम कपड़ा वगैरह सब कुछ धो दिए हैं और बस इसको डालना है। तो देखिए कब तक डाल रहे हैं। और ये देखिए मेरा रूम, और यहाँ है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो कि इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे हम पूजा वगैरह भी कर लिए हैं, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, हम भी ले लिए हैं। और मिलते हैं चाय पीने के बाद, है ना? आप लोग भी कुछ बोल दिए, हम लोग भी मस्ती कर रहे हैं। हम बेटिया मस्ती, गुड मॉर्निंग बोलिए पहले। हम तो गुड मॉर्निंग नहीं बोला, आप बोलिए। बोल दो, बोलिए बेटा, बोल दो तो। गुड मॉर्निंग बोलो अंशु। गुड मॉर्निंग बोलो। गुन गुन, गुन गुन हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपना चाय खत्म करने के बाद। अच्छा खाना में क्या बनेगा बताइए? दाल चावल आलू गोभी का भुजिया। और मेरा तबीयत कितना खराब था कल, पता नहीं। आप ही सब कुछ देखिए, बड़े पता नहीं, बताइए ना क्या चीज़। मैं तबीयत कितना खराब था। हाँ तो कोई ज्यादा खा लेगा तो तबीयत तो खराब होगा ही। तो इसको हटा के बोलिए, बोलिए तो मेरी बिटिया रख रही है, खेल रहा है। अब बोलिए मैं तबीयत कितना खराब था। तो मम्मा हटा दी बेटा। फ्रेंड हम आपको बता दें कि कल मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया था ना, इतना खराब हो गया था कि हम कुछ यहाँ तक हम चाय भी नहीं पिए थे। हमको इतना चाय का प्रेमी है, फिर भी मतलब सो के बेड मतलब एकदम बेड रेस्ट थे कल पूरा दिन। तो बता क्या हुआ था? नहीं तो नहीं बताएंगे क्या हुआ था फ्रेंड, ये बस पर्सनल है क्या हुआ था। बट ये है कि मैं तबीयत बहुत ही ज्यादा, क्या हुआ था कुछ नहीं हुआ था और वो मतलब की तो फ्रेंड मेरा तबीयत बहुत सच में बहुत खराब था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा दवा आया है। ये देखिए ये है मेरा दवा और भी बहुत ज्यादा सारा दवा। मेरा दवा ये कहाँ रख दिया सब? ये देखिए ये है मेरा इंजेक्शन जो कि पड़ा है। दवा है ना कि इतना ज्यादा दवा खा लिए थे ना, फिर भी कोई दवा नहीं सुन रहा था, कोई नहीं। जब तक हमको ये इंजेक्शन ला के नहीं दिए तब तक मेरा ठीक नहीं हुआ। ये देखिए ये है, ये तो अभी कम ही, ये तो दोबारा दवा आया है। फर्स्ट बार जो दो तीन खुराक आया था वो खा गए थे, फिर भी आराम नहीं हो रहा था। मतलब ना हमको ऐसा स्थिति हो गया था, ये चार चार घंटा पे हम दवा खा रहे थे, तब जाके मतलब रात में फिर भी आराम नहीं हो रहा था। फिर रात में जाके हार मतलब 8 बजे करीब हम इंजेक्शन लिए, तब जाके आराम हुआ, फिर जाके हम सोए तो सुबह जाके। तो अभी हम कुछ अपने आप को कुछ अच्छा मतलब अच्छे हैं, ठीक है। तो वही नहावा के रेडी हो गए हैं, बोले कि नहीं आज तो वीडियो बनाना ही बनाना है। तो कैसे लग रहा है आप प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ये येलो कलर का साड़ी वेयर किए हुए हैं और आप लोग कॉमेंट बताइए हम कैसे दिख रहे हैं। हम लोग अभी भी नहीं आ रहा, हम लोग खेल रहे हैं। आ रहा है, देखिए हम कैसे दिख रहे हैं आज। तो मम्मा कैसे दिख रही है आप बताइए ना, हम कैसे लग, बोल दो अच्छा दिख रही है, बोल दो अच्छा, बोल दो अच्छा दिख रही है, बोल दो बेटा मत बोलिए। फ्रेंड आप लोग कमेंट बताइएगा कि हम कैसे दिख रहे हैं। ये लोग तो मेरा कभी भी तारीफ करते नहीं है और खासकर मेरे हस्बैंड तो कभी भी तारीफ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं कि आज आप अच्छी लग रही है, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हम कैसे लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं किचन में खाना बनाने, जो कि हम सुबह कल से कुछ नहीं खाए हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है। और अभी हम थोड़ा सा चाय पियेंगे सबसे पहले, और चाय पीने के बाद खाना में बस सिंपल ही खाना बनाएंगे, दाल चावल और आलू और गोभी। गोभी लग रहा है ना, गोभी लग रहा है क्या? हाँ आलू गोभी का भुजिया और बस यही सिंपल ही खाना बनेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे वाह, ये देखिए
ये दिन भर ऐसे करने, पापा को किसी करेंगे फिर मेरे को करेंगे फिर पापा को करेंगे। अभी इन नहीं करेंगे हम, तो मिलते हैं अपनी चाय सबसे पहले पीने के बाद, क्योंकि मेरा चाय ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मेरे को दवा भी खाना, नहीं तो ये पापा भी कॉल करके बोलने लगेंगे। तो आप लोग वीडियो बने रहिए गाइस। तो हम चाय वाय पी के आगे किचन में, अब जा रहे हैं, मेरा दाल बन गया देख सकते हैं, और अभी हमको चावल बनाना है और भुजिया खाना था। तो ये देखिए इतना सब कुछ सामान है, जैसे दाल है, बादाम है, चना है, सोयाबीन है, मसाला है, फिर दाल है, चावल है, ये है सब्जी में गोभी, प्याज, आलू, खीरा, टमाटर, बस यही सब कुछ सामान है। तो इसको भी हमको सबसे पहले इसको अच्छे से रखना है पूरा डब्बे में करके, और अभी हम सबसे पहले खाना बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है और अंसी को भी खिलाना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको वीडियो बने रहिए। हे गाइस, तो फाइनली मेरा खाना वाना सब बन गया, और ये देखिए अभी हम किचन में, तो हम सब ये सब जितना सामान आया था मार्केट से हम सबको जगह लगा दिए हैं। इसमें देखिए आपको बैकग्राउंड से दिखा रहा है, ये देखिए सब लगा दिए, अच्छे से रख दिए। आलू है, ये है केला, फिर धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, खीरा, हरा मिर्च वगैरह सब कुछ आया था, तो सबके हम अच्छे से इसी में रखते हैं, तो इसी में अच्छे से रख दिए। उसके बाद यहाँ भी कुछ सामान है, तो यहाँ पर भी है, तो इसको हम बाद में रख देंगे पूरा डब्बा। यहाँ पर भी सब पूरा मतलब एकदम फुल हो गया है, तो सब रख दिए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है, तभी हम चलते हैं खाना खाने। तो देखिए हम हस्बैंड को दिए हैं खाना, तो क्या हो रहा है अंशी, तो ये देखिए अब हम लोग खाएंगे, गर्मा गर्म खाना है, चावल है, दाल है, फिर यहाँ पे आलू गोभी का भुंजिया है, सलाद है, अचार है, हरा मिर्च है, और वहाँ पानी है। तो बस गई है बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि अब मेरा तो सब काम कंप्लीट है, बस अब खाना ही खाना है। तो हस्बैंड जी गए हैं उधर हाथ धोने, तो चलते हम लोग खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय करो, मिलते हैं खाना खाने के बाद, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हे गाइस, तब हम लोग खाना वाना सब खा लिए, अब बस सब काम भी हो गया मेरा टोटल, तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। देखिए मेरा सब काम हो गया, किचन का क्लीनिंग भी हो गया पूरा, गैस वैस भी सब साफ कर दिए अच्छे से, वो सब भी जगह पे लगा ही दिए, पूरा बर्तन वर्तन सब धोला गया, यानी मेरा सब काम हो गया। अब बस थोड़ा सा मतलब रेस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे, अगर मन करेगा तो शॉर्ट वीडियो दो चार शूट कर लेंगे, नहीं तो कपड़ा भी तो छत पर जाना है, धूप इतना ज़्यादा है ना कि मन नहीं करेगा कपड़ा छत पर जाके डाले, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ये थोड़ा सा टाइम लगेगा तो शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए अभी मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है, क्योंकि अब हम इसको जाके सुलाएंगे, अभी लगभग टाइम बस लगभग 2 बज रहा है शायद, हाँ 2 बज रहा है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए, खूब सारा लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल।